नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन टुडे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, जिसने देश के अंदर कई अलग अलग स्टेट्स में छापेमारी शुरू कर दी है। NIA ने वेडनेसडे को नेशनल वाइल्ड रेड कंडक्ट की है और एजेंसी की तरफ से बताया गया कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जो कि म्यांमार से जम्मू के अंदर रह रहा था, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व था। रेड के अंदर 8 अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये रेड कंडक्ट की गई है और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये रेड कंडक्ट की गई है। NIA के स्पोक पर्सन की तरफ से बताया गया, इन रेड्स को त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी के अंदर कंडक्ट किया गया है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे बताती है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो कि म्यांमार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रह रहे थे उन्हें पकड़ा गया है और एक जफर आलम नामक इंसान को भी, व्यक्ति को भी 2 बजे सुबह पकड़ा गया है और उनका दूसरा दोस्त जो कि उनका पाशिंदा था वो भाग निकला है, जो कि जम्मू के भटिंडी एरिया के अंदर रह रहा था और उनका दूसरा पाशिंदा वो भाग निकला है। रिपोर्ट्स के अनुसार रेड को स्लम एरिया यानी कि स्लम हाउसिंग एरिया के अंदर कंडक्ट किया गया था, जो कि म्यांमार इमिग्रेंट्स जहाँ पर रहते हैं उसके अंदर कंडक्ट किया गया था। यानी कि NIA ने कुछ एरियाज के अंदर ये रेड कंडक्ट की थी जहाँ पे उनको शक था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके पाशिंदे मिल सकते हैं। यही नहीं, NIA ने मोहम्मद इरफान खान को भी तमिलनाडु से पकड़ा है जो कि इलीगली श्रीलंका से इंडिया के अंदर रह रहे थे। NIA के पास एक स्पेशल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स है जिसने एजेंसी 2022 के अंदर, जिस एजेंसी ने 2022 के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स और बांग्लादेशी मुस्लिम्स के ऊपर होने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि उनसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराई जाने वाली बात पर जांच की थी। अब आप बात करें तो इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर पर। हाल ही में दिल्ली के CM केजरीवाल जो कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर होने वाले थे, हुआ कुछ यूं कि बीजेपी सीनियर नेता मनजिंदर सिंह ने वेडनेसडे को ये बताया कि CM केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी बीवी यानी कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का CM पद दिलवाने के लिए अपने मिनिस्टर से बात करनी थी। मिस्टर केजरीवाल अपने मिनिस्टर से बात करना चाहते थे ताकि उनकी तरफ से ये बताया जा सके कि उनकी बीवी को ये पद यानी कि CM का पद मिलना चाहिए आगे जाकर। बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह की तरफ से बताया गया कि आम आदमी के कई बड़े लीडर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर और उनकी तरफ से केजरीवाल पार्टी के अंदर यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर घूसखोरन के ऊपर आवाज उठाई जा रही है। केजरीवाल ने अपने प्रस्ताव को सभी लीडर्स के आगे रखा और उनकी तरफ से ये प्रस्ताव सामने रखा गया था, बट लीडर्स की तरफ से इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। आपको बता दें, बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक तरह का क्लैश देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये बता रहे हैं कि अगर ऐसी चीज मंजूर होती है तो सभी पार्टीज और लोगों की तरफ से देखा जाएगा कि पार्टी के अंदर भाई भतीजावाद चलने लग गया है जिससे वह लड़ते आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी बताया गया कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर भी एक आवाज़ उठाया जा रहा है और उसके खिलाफ लड़ा जा रहा है, जहां पर ये बात सीधी दिल्ली के CM तक जाती है। ये दावा किया जा रहा है बीजेपी नेता की तरफ से कि बीजेपी और दिल्ली के CM के 40 करोड़ के आवास के ऊपर जो पैसा लगाया गया है उसमें पार्टी के कई लीडर्स नाखुश हैं। बीजेपी सीनियर लीडर मनजिंदर सिंह की तरफ से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह काफ़ी संगीन है और अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी इस पर किस प्रकार से रिएक्ट करती है। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।